हेलो एवरीवन, आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैं उड़द दाल की खिचड़ी की रेसिपी। और साथ में बनाएंगे आलू का भरता या आलू का चोखा, जो इसके साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए फटाफट से रेसिपी को शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये कम्प्लीटली फ्री है। तो इस उड़द दाल की टेस्टी सी खिचड़ी को बनाने के लिए यहाँ पर एक कप या एक कटोरी मैंने यहाँ पे लिया है बासमती राइस, कोई भी अरवा चावल ले सकते हैं। आधा कटोरी यहाँ पर है उड़द की दाल। तो उड़द की दाल ये भुनी हुई उड़द की दाल है, तो साबुत उड़द को लेकर अच्छे से इसको भून लेते हैं और भूनने के बाद फिर इसकी दाल बना लिया जाता है। लेकिन अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो जो धुली हुई उड़द की दाल होती है उसे ही आप ले लें और मोटे तले के तवे पर इसे डाल के आप थोड़ा सा रोस्ट कर लें या सुनहरा होने तक उसको भून लें। और ये हमने चावल को डाल दिया है एक बोल में और उड़द की दाल जो भुनी हुई है उसको भी हमने डाल दिया बोल में। अच्छे से दोनों को मिक्स करके धो लेंगे। चलिए कुकर में डाल देते हैं इसे, साथ में डालेंगे पानी। तो खिचड़ी में थोड़ा पानी ज़्यादा ही जाएगा तो डबल से थोड़ा ज़्यादा पानी डालना है। दो तेज पत्ते डाले हैं, थोड़ा सा डाला है प्याज, आधा प्याज को इस तरह से काट के डाला है और एक टेबल स्पून के करीब है अदरक और लहसुन, जिसको हमने इस तरह से क्रश करके डाला है। थोड़ा सा डाला है हल्दी पाउडर, थोड़ा डालेंगे नमक, तो टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और ढक्कन को लगा के अच्छे से इसे हम गला लेंगे। तो खिचड़ी थोड़ी गली हुई है अच्छी लगती है और पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालना है तो ही अच्छी लगेगी खिचड़ी खाने में। ऐड करेंगे दो चार बूंदे सरसों के तेल और ढक्कन को लगा के अच्छे से इसको हम गला लेंगे। दो चार बूंद सरसों के तेल डालने से ये जो दाल का पानी है ये ऊपर नहीं आएगा। जब तक खिचड़ी हमारी पक रही है, इधर हम भरता बना लेते हैं आलू का। तो इस तरह से सूखी हुई लाल मिर्च ली है, इसे हमने इस तरह से चूल्हे पे ही रख के, डायरेक्ट फ्लेम पे रख के अच्छे से इसको हमने सेक लिया है। तो थोड़ा थोड़ा सा ब्लैक हो जाए इतना आपको सेक लेना है। और इसे हम छोटे छोटे टुकड़े में करके एक बोल में डाल देते हैं। इसमें ऐड करेंगे हम एक प्याज है जो कि हमने लंबा लंबा पतला काट रखा है। साथ ही में इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा नमक और डालेंगे हम थोड़ा सा कच्चा सरसों का तेल। और इन सभी चीज़ों को डाल के अच्छे से इसको आपको मिक्स करना है, अच्छे से मिलाना है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे, यहाँ पे उबले हुए आलू हैं तो जितना आपको चाहिए क्वांटिटी उसके हिसाब से आप डालें। यहाँ पे मैं दो आलू यूज़ कर रही हूँ। अच्छे से डाल के इसको हम मिक्स कर लेंगे और ये भरता हमारा तैयार हो गया है। चलिए इसे हम साइड में रखते हैं और देखिए यहाँ खिचड़ी भी हमारी गल गई है। तो देखिए इसी तरह का गला हुआ होना चाहिए खिचड़ी। आप अगर इससे ज़्यादा थोड़ा पानी पसंद करते हैं तो थोड़ा पानी और ज़्यादा ऐड कर लें आप इसमें। और चलिए इसे हम फ्राई करते हैं। तेल डाला है, तेल में डालेंगे थोड़ा सा घी, तो आधा तेल है आधा घी है। और यहाँ पे हमने एक प्याज को लेके इस तरह से पतला पतला काट लिया है, इसको हम फ्राई कर लेंगे। जब तक सुनहरा नहीं हो जाए तब तक इसको फ्राई कर लेंगे। ये बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी है और बारिश के मौसम में ये बहुत ही मज़े की लगती है खाने में। और देखिए इसमें हमने जब थोड़ा ब्राउन हो गया है प्याज हमारा, तब हमने एक ऐड कर दिया सूखी हुई लाल मिर्च। और देखिए ये प्याज का कलर सुनहरा सा हो गया था। और जो खिचड़ी हमने उबाल के रखी है ना, उसे हम ऐड कर देंगे इसके अंदर में और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए खिचड़ी हमारी बिल्कुल बन करके तैयार हो गई है। एक बार आप इस रेसिपी को ट्राई कर लेंगे तो आप इसे ज़रूर बार बार बनाएंगे, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट होता है। तो चलिए देखिए ये खिचड़ी हमारी तैयार है। ऊपर से डालेंगे गर्मा गर्म देसी घी और ऐड कर देंगे इसमें हम जो भी हमने भरता बना के रखा था ना आलू का, उसे और साथ में अचार के साथ इसे आप सर्व करें। खाने में भी काफ़ी हैंडी है, थोड़ा सा भरता लें और इस तरह से इसको आप एंजॉय कर सकते हैं। तो इसे आप किसी भी मौसम में एंजॉय करें, काफ़ी हल्की फुल्की सी रेसिपी है। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिए। रेसिपी अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली बार फिर मुलाकात होगी इसी जैसे कुछ खास रेसिपी के साथ। कॉमेंट करके ज़रूर बताइए रेसिपी कैसी लगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।